दमोह जिले की बटियागढ़ जनपद पंचायत के दर्जनों सरपंच फर्जी पत्रकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। शुक्रवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और फर्जी पत्रकार के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। दरअसल जिन पत्रकारों को पत्रकारिता का ज्ञान नहीं है, वे लोग भी हाथ में माइक लेकर अपने आप को बड़ा पत्रकार कहते हुए जनपद क्षेत्र में सरेआम बिना किसी रोक टोक के घूमकर अवैध वसूली में संलिप्त है, जिसका खामियाजा जिले व क्षेत्र के पत्रकारों को उठाना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला बटियागढ़ जनपद पंचायत में देखने को मिला, जहां एक फर्जी पत्रकार ने YouTube चैनल का उपयोग कर बटियागढ़ जनपद क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में सरपंच, पटवारी और शिक्षकों से अवैध वसूली की जा रही है, जिससे नाराज दर्जन भर सरपंचों ने राजस्व विभागीय बैठक में आए कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर को फर्जी पत्रकार के खिलाफ ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। वहीं इससे पहले मुख्य कार्यपालन अधिकारी बटियागढ़ एवं थाना प्रभारी बटियागढ़ को भी ज्ञापन सौंपा। दिया है किस संबंध में? जो पत्रकार पत्रकारिता करते हैं, तो पत्रकारिता में एक बिजनेस और व्यापार का धंधा बना लिया है, उसके विरुद्ध में हम लोगों ने सब जनों ने मिल करके ज्ञापन दिया है। किन पत्रकारों के खिलाफ है? जो पुष्पेंद्र सिंह लोधी बताया है घूस का, वो अति अनियमितताएं उससे काम कर रहे हैं, ये इस पर रोक लगना चाहिए। ये ऐसी शिकायतें मुझे अलग अलग माध्यमों से प्राप्त हुई हैं। आज मुझे इसके संबंध में पहली बार ज्ञापन मिला है और इसकी चूंकि नामजद शिकायत है, तो हम लोग इसकी बिल्कुल तुरंत जांच करवाएंगे और यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये साबित होता है तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। शिकायत करते हैं, झूठी शिकायत करते हैं और झूठी में हम लोग अपना पैसा ले खेलते हैं, हर सरपंच से लेते हैं, हर सरपंच को परेशान करे हैं। अन्य ग्राम पंचायतों से सरपंच लोग और सरपंचों के कुछ प्रतिनिधि लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक पुष्पेंद्र नाम के, पुष्पेंद्र सिंह लोधी नाम के कोई पत्रकार हैं जो कि फर्जी हैं, जिनकी कोई आईडी वगैरह नहीं है, ना कोई न्यूज चैनल से वो संपर्क में है, खाली ब्लैकमेलिंग करते हैं। वे किसी ना किसी पंचायत में जाना, वहाँ कोई छोटा मोटा वीडियो बनाना और वो फर्जी वीडियो बना के सरपंचों को परेशान करते हैं और वो क्या नाम से अपने सीएम हेल्पलाइन लगाते हैं और उसके माध्यम से ब्लैकमेलिंग करके बाद में वो समझौता करते हैं, दो दो पाँच पाँच हज़ार रुपया लेके 20-20 हज़ार रुपया लेकर इस प्रकार का दबाव बनाते हैं। इसलिए हम लोग व्यक्ति से प्रताड़ित होकर सभी लोग संगठित होकर यहाँ आए हैं जनपद में, जो अपने CO साहब को सबने ज्ञापन दिया है। इसके बाद